गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर क्लाइमेट। डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी स्पेशली ऑन द एलिमेंट ऑफ द क्लाइमेट। लेट स्टार्ट द टॉपिक। डियर स्टूडेंट, बिफोर दिस चैप्टर वी हैड स्टडीड दैट कि टू थिंग्स, द टेम्परेचर एंड द प्रिसिपिटेशन, है ना। टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन दे आर वेराइड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। स्पेशली वन वी टॉक अबाउट इंडिया की, हमारे यहाँ पे राजस्थान में टेम्परेचर अलग है और प्रिसिपिटेशन इन राजस्थान अलग है ना। और ये जो टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन की हम बात करते हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंस इन द मिडल पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के मध्य भाग में ना? अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इन द कोस्टल रीजन इसका असर इतना ज़्यादा नहीं दिखता है जितना हमको देश के मध्य भाग में इसका असर दिखता है। कोस्टल पार्ट में क्लाइमेट का और वेदर का कंडीशन इतना ज़्यादा असर नहीं दिखता, बट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, मिडिल पार्ट ऑफ द कंट्री, इसका असर बहुत ज़्यादा दिखता है। और इसी कारण आपके देश में कल्चर, लैंग्वेज, फूडिंग, है ना, ऑल दीज थिंग्स आर डिटरमाइंड। ओके, तो अब हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से वो आपके मेजर फैक्टर्स जो हैं जो कि आपके यहाँ पे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं किसी भी क्षेत्र के, ना। दिस इज द फैक्टर्स विच कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर देशों में ये फैक्टर ही आपके कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट का। सबसे पहले आपका लेटिट्यूड, हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। एल्टीट्यूड, ना, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ओशनिक करंट और रिलीफ फीचर, है ना। ये जो आपके पाँचों चीज हैं, लेटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड ऊंचाई, प्रेशर एंड विंड, ओशनिक करंट और आपका जो रिलीफ फीचर है, वो किसी भी जगह का क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, कंट्रोल करता है। देखा दिया गया ना कि मेजर कंट्रोल्स, दीज आर द फैक्टर विच कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि लेटिट्यूड्स क्या होता है। बेटा, लेटिट्यूड्स आप जानते हो कि दीज आर द इमेजिनरी लाइन, है ना। आपके अर्थ में, अर्थ पर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ईस्ट से वेस्ट मूव करती है, ना। दीज आर द डिफरेंट लेटिट्यूड्स। अभी लेटिट्यूड जो होते हैं आपके, दे दीज आर बीन अफेक्टेड बाय द सन। सन की जो रेज है आपकी लेटिट्यूड्स पर, आपका वर्टिकल पड़ती है, ये हॉरिजॉन्टल पड़ती है, और इन द पोलर रीजन दे आर द वर्टिकल, है ना। तो क्या होगा कि इस रीजन में आपके यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा क्योंकि सन की रेज यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रही है, और इस रीजन में, स्पेशली द पोलर रीजन में, जो टेम्परेचर है वो कम होगा क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज हैं ये क्या पड़ रही हैं, वर्टिकल पड़ रही हैं। ओके, तो देखिए, वेदर जो आप कंडीशन होता है, चाहे वो वेदर हो या क्लाइमेट हो, वो कंट्रोल बाय द लेटिट्यूड्स। कैसे करते हैं, लोअर लेटिट्यूड ट्रॉपिकल रिसीव मोर सोलर रीजन, ये आपका ये पार्ट यहाँ पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा मिलता है, और वहीं पे आपका जो ये वाला पार्ट है आपका नॉर्दर्न पोल और साउथ पोल, यहाँ पे सन की रेज कम पड़ती है, और इसी कारण जो है टेम्परेचर आपका वेराइज करता है। जब टेम्परेचर वेराइज करेगा तो आपका वेदर कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन भी वेराइज करेगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, पोलर रीजन में आपकी टेम्परेचर हमेशा कम रहता है और इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है, इसका आपने देखा। ओके, तो लेटिट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द क्लाइमेट एंड द वेदर ऑफ अ एरिया। अब आप समझ सकते हो बेटा कि दुनिया का वो पार्ट जो कि इक्वेटर के इर्द गिर्द है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वेदर वहाँ का कुछ अलग होगा, लेकिन जो पार्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है, यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। क्यों होगा, आई हैड गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हमेशा ऊंचाई होती है, सी लेवल से ऊंचा। देखिए बेटा, आप जानते हो कि अगर हम सन सी लेवल में जितना ऊपर जाते हैं, वहाँ पे एयर का जो डेंसिटी होती है, एयर डेंसिटी वो आपकी क्या होती है, ये लो होती चली जाती है। जब एयर डेंसिटी आपकी लो होगी, है ना, यहाँ पे आपका एयर डेंसिटी बहुत कम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपकी एयर डेंसिटी बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है। तो क्या होता है कि जब सन की रेज आपकी आती हैं, तो दीज रेज दे कांट एबल टू गेट मोर एंड मोर एयर पार्टिकल्स,
कारण यहाँ पे हमेशा क्या रहती है, यहाँ पे हमेशा कूल रहता, ठंडा ठंडी रहता है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हमेशा वार्म रहता है टेम्परेचर। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सन की रेज हैं ये उनको क्या मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल मिलने के कारण जो है यहाँ पे गर्मी दिखती है, और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, इसी कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एल्टीट्यूड्स जो होते हैं, जितनी भी आप एल्टीट्यूड ऊपर जाते जाओगे उतना ही आपका टेम्परेचर गिरता जाएगा। ये देखिए माउंट एवरेस्ट, देखो ये माउंट एवरेस्ट दिया गया है, ये आपका यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेम्परेचर आपका ये हाइट दिखा रहा है और ये टेम्परेचर दिखा रहा है ना। इसका मतलब यही हुआ कि जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना ही यहाँ आपके यहाँ पे टेम्परेचर गिरता चला जाएगा, और जिसके कारण जो है आपके यहाँ पे जो वेदर है और जो क्लाइमेट है वो वेराइज करता है। सी लेवल और ये आपका स्नो कैप ना, इसके बीच में ही इंसान रहता है। और यहाँ पे ये देखो जिसे ट्री लाइन मीन्स, उसके ऊपर अगर जाएंगे तो फिर यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं होंगे। दैट मीन्स कि आपका जो पेड़ पौधे या इंसान के रहने लायक जो हालात हैं वो इतने पे ही हैं। इसके ऊपर अगर हम एल्टीट्यूड जाएंगे तो ना इंसान के रहने लायक वो हालात हैं और ना ये पेड़ पौधों के लिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपको क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो हो जा रहा है टेम्परेचर। तो एल्टीट्यूड्स आल्सो वेराइज फ्रॉम आपका। देखिए आप जानते हो कि दिल्ली और दार्जिलिंग दे आर लाइंग ऑन द सेम लेटीट्यूड, लेकिन दिल्ली के बदले जो दार्जिलिंग है वो आपका ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है, इसीलिए दार्जिलिंग में ठंडी पड़ती है और वहीं पे दिल्ली में गर्मी पड़ती है। ओके, द रीज़न बिहाइंड दैट इज आपका क्या एटीट्यूड्स। आफ्टर दैट लेटीट्यूड के अलावा जो है प्रेशर और विंड, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, कि आप देख रहे हो कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के सामने सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है, और सन की रेज पड़ने के कारण यहाँ पे जो हवाएं हैं ये गर्म हो जाती हैं और हल्की हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, दैट इज़ लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया। अब लो प्रेशर एरिया आपका जब डेवलप हुआ तो हाई से हवाएं किधर चलेंगी, लो की तरफ चलेंगी। हाई से हवाएं किधर चलेंगी, लो की तरफ चलेंगी, जिससे क्या होता है आपका एयर में मूवमेंट होता है, और आपका जो ये यहाँ पे अगर ठंडी हवा है तो ये ठंडी हवा यहाँ आने की कोशिश करेगी, और ये गर्म ये यहाँ की ठंडी हवा यहाँ जाने की कोशिश करेगी, जिससे आपका प्रेशर का डेवलपमेंट होता है, और विंड आपका फ्रॉम लैंड टू सी चलना स्टार्ट होती है, जिससे कि आपका पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है या जो टेम्परेचर है वो आपका बदलता रहता है, और जिससे वहाँ के जो कंडीशन है वो आपके डिफर करती रहती हैं। तो प्रेशर एंड विंड इज आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन और द वेदर ऑफ एन एरिया। जो हवाएं आपके ठंडे ठंडी जगह चलेंगी वो हमेशा ठंडी रहेंगी, और जब वो किसी भी गर्म जगह पे आएंगी तो वहाँ के भी टेम्परेचर क्या कर देंगी, उनको भी वो ठंडा कर देंगी। या गर्म क्षेत्र से चलने वाली हवाएं जब चलेंगी तो अगर वो गर्म ठंडी जगह पर जा रही हैं तो वहाँ की भी एटमोसफेयर को वो क्या कर देंगी, गर्म कर देंगी। तो इस तरीके से प्रेशर एंड विंड दे आपका चेंज द टेम्परेचर ऑफ एनी रीजन। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब हुआ कि समुद्र से दूरी पर रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये आपका अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन है, तो जो क्षेत्र आपका समुद्र के किनारे मिलेगा, महाराष्ट्र मिल जाएगा आपका, इस पर मुंबई की बात करते हैं, गोवा मिल जाएगा, कर्नाटका मिल जाएगा, यहाँ का क्लाइमेट आपका डिफरेंट है। और अगर हम बीच में जाएंगे, देश के मध्य में जाएंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार, यहाँ का टेम्परेचर आपका डिफरेंट होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्यों ऐसा होता है? देखिए क्योंकि जब आपका ठंडा ये समुद्र से जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ वो देखिए दो चीज़ होती हैं आपका, पहली बात तो जमीन और पानी, पानी जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, और वहीं पे ज़मीन जल्दी गर्म नहीं होता और देर तक वो गर्म ही रहता है। तो क्या होता है, इन द समर द सन हीट द अर्थ क्विकली बट टेक लॉन्ग टाइम टू हीट अप एंड वाटर एंड द वाटर विच इज़ लार्ज एंड डीप। हाउ एवर आपका वाटर स्टोर्ड हीट फॉर लॉन्गर एंड सो इट इज़ सो इन विंटर द टेम्परेचर ऑफ द सी इज वार्म रिलेटिव टू द लैंड एंड सो कीप द कोस्टल प्लेस
वारमल, ये जो आपका ये समुद्र किनारा होता है वो आपका बहुत लंबे समय तक गर्म बना रहता है, और जब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे समुद्र से वो एरिया आपका क्या होगा, कंटिनेंटल क्लाइमेट, और यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। ये दो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। पहली बात तो जो समुद्र के नज़दीक का जो क्षेत्र होगा वहाँ का क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट रहता है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ठीक है, क्यों होता है, द रीज़न इज गिवन हियर ना। और जो एरिया आपका समुद्र से दूर होता है ना, ये आपका दैट इज़ नोन एज द एक्सट्रीम क्लाइमेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका पानी से कुछ असर नहीं पड़ता, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, स्पेशली इन द आपका समर, समर में खूब ठंड गर्मी पड़ेगी, और विंटर में खूब गर्मी, स्पेशली मतलब कि समर के महीने में खूब गर्मी पड़ती है और विंटर के महीने में खूब ठंडी पड़ती है, बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन इज़ वेरी एक्सट्रीम। ओके, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओशनिक करंट, ये जो ओशन करंट्स होते हैं बेटा, दे आर टू टाइप ऑफ करंट, हॉट करंट एंड द कोल्ड करंट। हाँ, हॉट करंट एंड द कोल्ड करंट, व्हेन दिस हॉट एंड कोल्ड करंट दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे मेक द एरिया ऑफ ए रीजन वार्म एंड आपका कूल। जब जो आपका पोल से चलने वाली हवाएं हैं, करंट हैं, करंट क्या होती हैं, द मूवमेंट ऑफ द सी, वाटर ऑफ द सी इज नोन एज द ओशन करंट। जब ये आपके ठंडे प्रदेश से चलने वाली जो ओशनिक करंट है, समुद्री धाराएं हैं, जब वो आएंगी तो रिलेटिवली जो आपका एरिया है ना उसको ठंडा कर देंगी, है ना। या आपका अगर ये हॉट करंट आपका आ रहा है, हॉट करंट अगर आएगा तो वो जहाँ पे गर्म, जहाँ का जो क्षेत्र आपका ठंडा है उसको भी क्या कर देगा, वो ठंडा कर देगा। तो इससे भी क्या होता है, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो आपकी ठंडी आ रही हैं तो ठंडा कर देंगी, अगर गर्म क्षेत्र से आ रही हैं वो तो क्या कर देंगी, वो गर्म कर देंगी। तो इससे आपका जो एटमॉस्फेयर, जो जो क्षेत्र होता है वो ठंडी और गर्मी का वहाँ पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देर आर टू टाइप ऑफ ओशन करंट, द हॉट वाटर करंट एंड द कोल्ड वाटर करंट। इसके बाद रिलीफ, रिलीफ आपका ये देखिए कि जो पेड़ पौधे जो हमारे स्लोप्स है ना, यू कैन से डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड लो, हाइट एंड द लो पार्ट इज नोन एज द रिलीफ। तो ज़मीन पर जो आपके ऊंचे और जो नीचा जो पार्ट है उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं रिलीफ, उच्चावच, है ना। माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ। एंड व्हाट दीज रिलीफ स्पेशली डिड, अगर ये आपके यहाँ से बादल आ रहा है विच कैरीज आपका रेन, और कोई भी एक रिलीफ पहाड़ सामने उनके खड़ा दिख रहा है, तो क्या होगा, वाटर विल इट काज द रेन, यहाँ पे पानी बरसेगा। और उसके बाद जब हवा, ये बादल आपका हल्का होगा आफ्टर काजिंग रेन, ये इसको पार करके किधर चला जाएगा, इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज द लीवर्ड साइड, यहाँ पे जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पे पानी नहीं बरसेगा क्योंकि ऑल द रेन हैज ऑलरेडी डन हियर। ठीक है, तो ये जो रिलीफ होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, ये स्पेशली क्लाउड को रोक कर कंडेंस कराते हैं, और कंडेंस कराकर रेनफॉल कराते हैं। अगर ये रिलीफ ना होते तो हम कह सकते हैं कि रेनफॉल या क्लाउड को रोकने का कोई तरीका नहीं होता। तो दिस रिलीफ, वो ये राजस्थान में देखिए, राजस्थान में देर इज वेरी लेस रिलीफ, है ना, इसलिए आपका पूरा राजस्थान का जो पार्ट है वो ड्राई रहता है। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं आपका माउंट एवरेस्ट, हमारे देश में जो माउंट एवरेस्ट है वो आने वाली हवाओं को क्या करता है, रोक देता है, और यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो देट इज बिकॉज ऑफ द रिलीफ। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एन रीजन। अब इंस्टीट्यूट ऑफ दैट देर आर सर्टन क्वेश्चन गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, है ना। ये पहला, व्हाट आर द कंट्रोल अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हमने बात किया है। इसके बाद टू टाइप्स ऑफ ओशनिक करंट, हमने इसके बारे में डिस्कस किया, आप लिख सकते हैं। आपका कंटिनेंटल क्लाइमेट क्या होते हैं, यू कैन राइट द आंसर। लेटिट्यूड किस प्रकार से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, लीवर साइड ऑफ द माउंटेन इज ऑल्सो नोन एज रेन शेडो एरिया, हम लोग बात किए थे अभी। प्रेशर एंड विंड ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द, किसके पर डिपेंड करता है प्रेशर और विंड, यू कैन गिव द आंसर। और लास्टली दिया गया है, व्हाट आर द मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी
ऑफ एनी प्लेयर एक्सप्लेन ईच विद ईच इन ब्रीफली। जहाँ पे छः दिए गए हैं ना जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, इन सभी को आप थोड़ा थोड़ा करके लिखो सो दैट द आंसर विल बी कम्प्लीट। ओके बेटा, सो वी विल कम विद द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।